हेलो अभी क्या हाल है? कैप का बहुत अच्छा स्टाइल है आपका, ऐसे ही दिखाओ थोड़ा सा। और टायर के बारे में मैं क्या बताऊँ, सॉरी आई एम वेयरिंग गौरव गुप्ता एंड ये पूरा मेरे स्टाइलिस्ट ने मिलकर किया है जिसका नाम है निकिता जयसिंह। सो फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद हर, सो इट्स आई रियली लाइक इट। आई थिंक कुछ नया है क्योंकि हाँ काफ़ी डिफरेंट है, नई चीज़ें करनी चाहिए ज़िंदगी में। इट फील्स अमेजिंग। हम लोग ने फिल्म 38 डेज़ में कंप्लीट किया एंड इट्स अनदर एक्सपीरियंस। दिस फिल्म इज़ मोर देन अ फिल्म फॉर मी। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा बट डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट काफ़ी रहा है मुझ पर एज अ ह्यूमन बीइंग। सो आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक इट्स डेफिनेटली चेंज्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, आपको दे देता हूँ अभी, आ जाओ ले लो, आ जाओ। हम तो ठीक है, क्यों आप कौन हो? हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नहीं बिल्कुल नहीं डर लगता है, क्यों डर बिल्कुल लगना भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, अरे क्यों खोल के पूछो ना, क्यों आपको क्यों डर लग रहा है पूछने में? आपको पूछने के लिए चालान नहीं मिलेगा किसी से, पूछ लो पूछ लो। सो अक्टूबर जैसे कि मैंने कहा अभी कंप्लीट हो गई। सुजीदा के साथ काम करना मेरा एक ड्रीम था जो अब पूरा हो गया एंड होपफुली आफ्टर लॉन्ग आई हैव डन समथिंग विच इज़ डिफरेंट। सो लेट्स सी, अप्रैल 13 को रिलीज़ होगी। Yeah, you know I spoke about it initially जब ये बाहर आया था। मैंने कहा भी कि protesting peacefully is fine, it's a democracy, everyone should be allowed to voice their opinion totally and we should respect that, but making a threat is something that should not be allowed in a democracy and I believe in our judiciary and I'm sure they'll manage it. When it comes to style, I think Mr. Bachchan is always very well dressed. He Dev Anand is someone I loved what Dev Anand used to wear in his films. वो जिस तरीके के सूट्स पहनते थे, मफलर्स पहनते थे, जो स्टाइल था। शमी कपूर, I think all our so many of our yesterday superstars definitely एक benchmark set करके गए हम सबके लिए। Thank you so much. आज अरे आप पेपर के साथ क्यों हो? It's प्रॉबली मेरे लिए ये सबसे सफल साल रहा है। इट्स बीन माई बेस्ट ईयर द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि जुड़वा एंड बद्री बोथ हैव डन सो वेल। बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से, बट एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है अभी ऑडियंस के प्रति कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड ऑब्वियसली मैं जिस तरीके का काम करता हूँ हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के करता हूँ, दैट उन लोगों का भी मनोरंजन हो जब फिल्म बनती है। नए साल से बस मैं अमन की प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, दैट एवरीवन शुड बी सेफ एंड द वर्ल्ड शुड बी मोर पीसफुल। हाँ जी, वो फरवरी में शुरू होगी, सुविधा का मेड इन इंडिया। थैंक यू।